है एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं संडे को बनाने जा रही हूँ एक यम्मी सा मटन। तो चलिए आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे और इसके मज़े लेंगे। तो इसके लिए हम मसाले तैयार कर लेते हैं पहले, जिसमें मैं सारे कच्चे मसाले को पीस कर बनाऊंगी। कुछ भी पाउडर ऐड नहीं करूंगी, सारे फ्रेश रहेंगे ताकि बिल्कुल फ्रेश टेस्ट चाहिए हमें अपने मटन में। तो इन सारे मसालों को पीस लेते हैं और आइए मटन को चढ़ा लेते हैं। मटन में सिर्फ एक विसिल लगाई हूँ मैं। मुझे मटन को प्रेशर कुकर में बिल्कुल गला नहीं लेना है। मैं इसे थोड़ा सा पकाऊंगी और उसके बाद मैं कढ़ाई में इसे पलटूंगी और उसे कढ़ाई में मैं 30 से 40 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर पकने दूंगी ताकि इसके फ्लेवर्स पूरे उभर कर आ जाए। ये थोड़ा सा एक सीटी लगा है मटन में। अब इसे हम एक कढ़ाई में पलट लेंगे और कुछ और मीठे मसाले ऐड करेंगे जिसका टेस्ट इतने मज़े का होगा ना, आपकी ज़बान पर एक मिठास छोड़ जाएगा। ये खाने के बाद भी आपको एक टेस्ट फील करेंगे आप अपने ज़बान पर। तो चलिए इसे कढ़ाई में पलट लेते हैं और इस मीठे मसाले को जिसे मैंने पीस लिया है अब उस मटन में ऐड कर लेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम रखेंगे और 30 से 40 मिनट तक ढक कर इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। धीमी आंच पर ये मटन पकेगा और अपना रोगन ये रिलीज कर देगा और इस ये भुन भी जाएगा, पक जाएगा अच्छी तरह से और इसका टेस्ट इतना मज़े का है ना, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये बस तैयार है, बहुत मेहनत नहीं करनी है, सारे मसालों को एक साथ टेस्ट आ जाने देना है, देर तक पकने देने को छोड़ देना है कढ़ाई में और बस ये फ्लेवरफुल मटन रेडी है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।